हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन बल्दी, पेश है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ रोशन बल्दी, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। उर्गी जालौर में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का महत्व ही नहीं है, सेंट्रल बैंक कोच के अधिकारियों की नज़र में तभी तो राष्ट्र ध्वज फहराना उचित नहीं समझा गया। जागरूक नागरिक होने के नाते एक सज्जन ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी कि 12 बज रहे हैं और सेंट्रल बैंक पर ध्वजारोहण नहीं हुआ। सूचना को संज्ञान लेते हुए हमारे चैनल की टीम और अन्य पत्रकार मौके पर पहुंचे तो सूचना में सत्यता पाई गई। इस संबंध में तहसीलदार कोच राजेश विश्वकर्मा को अवगत कराया गया। कोच राजेश विश्वकर्मा को अवगत कराने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि पूरी तरह लापरवाही ही नहीं घोर लापरवाही है, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा और कृत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उधर मंडी स्थित डाकघर में भी यही हाल रहा, पर डाक अधीक्षक का कहना था कि हमारे सभी डाकघरों का एक साथ ही मुख्य डाकघर पर पर्व मनाया जाता है। आज 20 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मनाया गया। विभिन्न सरकारी संस्थानों का, कई सरकारी संस्थाएं जहां पर ध्वजारोहण नहीं किया, तिरंगा नहीं फहराया गया, क्या कारण? देखिए, सेंट्रल बैंक कोच और मंडी स्थित डाकघर में ध्वजारोहण न होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया और सूचना सही पाई गई, इसके लिए उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया। सर, क्या माना जाए, जो लोग अपने गणतंत्र दिवस को पूरा देश मना रहा है लेकिन फिर भी सरकारी संस्थाओं में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य था और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई है तो जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा, तदुपरांत इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो उनके विरुद्ध कराई जाएगी। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, आगे में किस तरीके का अल्टीमेटम दिया जा सकता है, जो लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं? इस स्पष्टीकरण वगैरह का प्राप्त किया जाएगा, ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण से ये उपस्थित नहीं हुए, तदुपरांत जो भी इसकी विधिक कार्रवाई होती है। सर, कानून की भाषा में इसको किस अपराध की श्रेणी में रखा जाए? देखिए, कानून के अंतर्गत कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है सर्वप्रथम, लेकिन ये आवश्यक है कि ये देखा जाए कि ऐसी वजह क्या थी जिस कारण से ध्वजारोहण नहीं।